हे गाइस, तो आज का वीडियो मैं बनाने वाली हूँ ट्विन फ्लेम द अल्टीमेट लवर। तो अभी रिसेंटली मैंने सेशंस लिए थे और उसमें ये इशू आया मेरे सामने कि क्लाइंट्स बोल रहे थे कि ट्विन के थ्रू ही हम गॉड को मिल सकते हैं या वो ही हमारा अल्टीमेट लवर है। तो मैंने उनसे पूछा कि ये टर्म के बारे में आपको कहाँ पता चला, मतलब आप ट्विन फ्लेम में आपको कैसे पता चला, यूट्यूब से? तो यूजुअली होता ये है कि हम एक मैट्रिक्स में होते हैं, ओके? हम पैदा होते हैं, हमें कुछ सिखाया जाता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, सब कुछ होता है। फिर हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, किसी भी रीज़न से हो सकती है, ट्विन फ्लेम उनमें से एक है। फिर हम अपने आप को ऑब्जर्व करने लगते हैं और हम अपनी हीलिंग जर्नी स्टार्ट करते हैं और ऐसे लोगों से मिलते हैं जो ऑलरेडी हीलिंग जर्नी पे थे, जो उस जर्नी से निकल चुके हैं। और उसमें मंत्रा चैंटिंग भी हो सकता है या फिर मेडिटेशन हो सकता है या योगा हो सकता है या लाइट लैंग्वेज हो सकता है। तो हम ऐसे लोगों के टच में रहते हैं जिनके साथ रहकर के हमें और क्लैरिटी मिलती है अपनी जर्नी के बारे में और हमारा असेंशन होता है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर इज कि अगर हम एक बिलीफ सिस्टम से निकल के दूसरे बिलीफ सिस्टम के अंदर चले गए तो उसका तो ये मतलब है कि हम एक मैट्रिक्स से निकले और दूसरी मैट्रिक्स में चले गए। पहले हम ब्लाइंडली अपने पेरेंट्स को, सोसाइटी को फॉलो कर रहे थे कि ये करेंगे तो खुशी मिलेगी, वो करेंगे तो खुशी मिलेगी। अभी हम किसी और कोच या गुरु को फॉलो कर रहे हैं जो कि हमको ये बता रहा है कि आपको आपका अल्टीमेट लवर मिलेगा तो आप होल फील करोगे या आप ये सर्टेन चीज़ करोगे तो आपको गॉड मिलेंगे। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, यू आर होल। हमारे साथ में बस यही होता है कि हमारे कुछ पार्ट शैडो में होते हैं जिनको हमको बचपन से एक्सेप्ट नहीं करने दिया जाता है, हम उसको अंदर कहीं दबा करके रखते हैं। और फिर हम जब लोगों से यूजुअली मिलते हैं तो हमारा ट्रॉमा ऊपर आता है और हमारी एक तरीके से हम उसको दबाते हैं। और फिर जब हमारी पर्जिंग स्टार्ट होती है, पर्जिंग मतलब अनरिजॉल्व ट्रॉमा ऊपर आना, यानी कि वो इमोशंस, बात कुछ छोटी होगी लेकिन हम रोएंगे। मान लो हम ट्विन से मिले और फिर सेपरेशन हुआ और फिर हमारा रोना ही बंद नहीं हो रहा है क्योंकि जितने भी हार्ट चक्रा में अनरिजॉल्व इमोशंस थे वो सारे ऊपर आए और हम रोते रहेंगे। तो ऐसे में हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है क्योंकि जो इतना सारा कुछ इमोशनल चल रहा होता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही होती है और ये सब एकदम नया होता है तो हमें ज़रूरत होती है। तो हम क्या करते हैं, यूट्यूब चैनल्स पे जाते हैं, लोगों को देखते हैं, उनसे सीखते हैं। उसको हम सोल फैमिली भी बोल सकते हैं कि हम अपनी सोल फैमिली से हम मिलते हैं। फिर हम सब, हर किसी की हीलिंग जर्नी अलग है, हर किसी की स्पिरिचुअल जर्नी अलग है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इट ना, यही तो स्पिरिचुअलिटी की खास बात है कि सबका अपना अपना वो है, तरीका है। अल्टीमेटली सबको पीस चाहिए होता है, अबंडेंस चाहिए होती है, ठीक है? लेकिन उस पीस और अबंडेंस के लिए किसी के ऊपर अगर हम डिपेंडेंट हो रहे हैं, हेल्प लेना एकदम सही है, हेल्प लेना बहुत हेल्दी है, हेल्प मैंने भी ली है, बट किसी को अपना अल्टीमेट वो मान लेना, दैट इज़ अ मैट्रिक्स। आई एम सॉरी टू से दैट इज़ यू आर स्टिल इन मैट्रिक्स, आप स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं हो। बिकॉज स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब होता है प्रेजेंट मोमेंट में रहना और अननोन फ्यूचर को एक्सेप्ट करना, जिसके अंदर आपको कोई बताएगा नहीं कि इस तारीख को इतने बजे ये होने वाला है। सारी स्पिरिचुअल जो अवेकनिंग होती है वही सोल शॉक से होती है। हमें जो सच लग रहा होता है वो सच नहीं निकलता है, हमें लगता है कि ये काम करने से हमको अल्टीमेट पीस एंड हैप्पीनेस मिलेगा बट हम वो काम करते हैं और हमें नहीं मिलता, हमें अधूरापन फील होता है। फिर हमें लगता है कि सोसाइटी ने जो भी रूल्स बनाए हैं, बट फिर हम एक्सेप्ट करते हैं कि जो उन्होंने जो भी रूल्स बनाए वो बनाने ज़रूरी थे एक स्ट्रक्चर को चलाने के लिए, चीज़ों को करने के लिए। और हम खुद के अंदर ही होल हैं, कोई बाहर से आकर के हमें कंप्लीट नहीं करेगा, हम होल हैं। हम और किसी होल पर्सन के साथ में अपनी लाइफ स्पेंड करेंगे बिकॉज वी आर सोशल एनिमल। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अकेले किसी महाद्वीप के ऊपर रहना है, नो, नॉट एट ऑल, आई एम नॉट सेइंग दिस। बट ओ माई गॉड, मूवी की तरह ऐसा नहीं करना कि परेश रावल बोल रहा है भगवान नहीं और फिर एंड में उसी को भगवान बना दिया। हम लोग बहुत जल्दी लोगों को गुरु बना देते हैं और भगवान बना देते हैं और लोग खुद को भी ऐसे कर लेते हैं कि उनमें बहुत सारी नॉलेज आ गई है तो वो अब किसी से जिसको स्पिरिचुअल ईगो बोलते हैं। दैट इज मैट्रिक्स बेबी। अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में हैं और अननोन फ्यूचर को आपने एक्सेप्ट किया है कि एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम,
दैट इज ट्रू स्पिरिचुअल जर्नी. यू आर लाइट, यू आर लव. दैट डजेंट मीन कि आप अफर्मेशंस नहीं सुन सकते. आप अफर्मेशंस सुन सकते हो, आप गोल्स डिसाइड कर सकते हो, बट फिर जो भी होगा उस चीज़ को आप जल्दी एक्सेप्ट करते हो. अपने सारे शेडोज को आप एक्सेप्ट करते हो. बच्चे आगे खेलने के लिए, मेरा वीडियो ख़त्म करने का टाइम हो गया. तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू लिखिए इस वीडियो के नीचे. अपना ध्यान रखिए. ओके, बाय.